वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है SDA एजुकेशन में सीखने वाले हैं टैली के अंदर जो है स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है टैली के स्क्रीन को ऑन करेंगे और कंपनी को, हमारा जो भी कंपनी है उसको ओपन करेंगे और यहां पर जाएंगे अकाउंटिंग इन्फो में, अकाउंटिंग सॉरी इन्वेंट्री इन्फो में। यहाँ पर जो है एंटर करेंगे और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप जो है नॉर्मली, वैसे तो काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है एक फूड होता है, एक नॉन फूड होता है। जो हम लोग खाने योग्य यूज करते हैं वह हमारे जो है फूड कहलाता है, फूड कहलाता है। और जो हम लोग जो है खाने के योग्य नहीं रख मानते हैं, जैसे कि एक होता है कि सर्फ हो गया, साबुन हो गया, ठीक है, या फिर जो है बॉडी वॉश हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है केमिकल जो भी पदार्थ है, जो भी चीज़ है, वो सारे जो है नॉन फूड हो जाते हैं, जैसे कि दूध, दही, चावल, राइस, फ्लोर, ये सारे चीज़ जो है हमारे फूड में आता है। तो हम लोग जो है दो तरह के बनाएंगे, एक तो जो बनाएंगे फूड, दूसरा जो है नॉन फूड। तो सबसे पहले जो है फूड लिखेंगे यहाँ पर, फूड और एंटर करेंगे, इसको प्राइमरी में ही रखेंगे हम लोग, एंटर एंटर करके इसको बाहर। फिर दूसरा आता है नॉन फूड, यहाँ पर लिखेंगे नॉन फूड, नॉन फूड। उसके बाद जो है एंटर करेंगे, एंटर करके इसको भी प्राइमरी में ही रखेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो गया। अब इसे डिस्प्ले करके अगर देखना चाहते तो यहाँ से देख सकते हैं, फूड और नॉन फूड लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर। अगर आप इसे ठीक करना चाहते तो ऑल्टर में जाके ठीक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक साथ काफ़ी सारे जो है हमें ग्रुप क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना होगा, नीचे जा कर के मल्टीपल जो है स्टॉक ग्रुप में क्रिएट करना है। एक साथ अगर आपको ज़्यादा देखना है कि सारे ग्रुप कितने तरह के बनाए हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल डिस्प्ले ग्रुप स्टॉक ग्रुप के अंदर जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर चेंज करना है एक साथ ज़्यादा, तो आप इसे जो है वहाँ पर नीचे सबसे लास्ट में अल्टर कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स हमारा यहीं तक है, अगले क्लास में हम लोग जो है आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं।